हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी सीजीएल 2023 के हर एक शिफ्ट में जो है आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। देखिए, पॉलिटी से जो है 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 2 क्वेश्चन तो फिक्स है कि पूछा ही जा रहा है, इसीलिए इस टॉपिक को आप लोग बहुत अच्छे से जो है कवर कर लीजिए। कवर तो किया ही होगा आप लोगों का, रिवीजन आपको करना है। जितने भी लोग जिनका नेक्स्ट शिफ्ट भी एग्जाम है, वो सब इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दिए हुए हैं, पार्ट से रिलेटेड टॉपिक्स का क्वेश्चन है। तो इसीलिए जो है आप लोग उसको अच्छे से रिवीजन करके तब आप जाएं नेक्स्ट शिफ्ट के लिए। तो देखिए, आज क्वेश्चन पूछा गया था पार्ट से रिलेटेड कि पार्ट 9B किससे रिलेटेड है। इसीलिए आप लोग पार्ट्स का रिवीजन कर लीजिए अच्छे से कि पार्ट 1 जो है ये किससे रिलेटेड है। तो इसमें है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से, और इसमें कौन कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 1 से 4 आता है पार्ट 1 में। पार्ट 2 जो है ये रिलेटेड किससे है, सिटीजनशिप में है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था 14 तारीख को जो एग्जाम हुआ था, पार्ट 2 से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, सिटीजनशिप से है, और इसमें आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक दिया हुआ है। पार्ट 3 से जो है, पार्ट 3 किससे रिलेटेड है, तो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है पार्ट 3, और ये आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। ओके, पार्ट 4 किससे रिलेटेड है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड है पार्ट 4, और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आता है इसमें। पार्ट 4A इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, आर्टिकल 51A है। टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज होते हैं आपको मालूम है। पार्ट 5 में दिया होता है द यूनियन से रिलेटेड, और आर्टिकल जो है 52 से लेकर 151 तक है। पार्ट 6 किससे है, तो स्टेट से है, इसमें 152 से लेकर 237 तक दिया हुआ है। तो ये 6 जो पार्ट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 14 तारीख के एग्जाम में पूछा गया था पार्ट 2 से रिलेटेड क्वेश्चन, और आज जो है पूछा गया था किससे, तो पार्ट 9 से क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट देखिए, पार्ट 8 किससे रिलेटेड है, तो यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड है, और इसमें दिया हुआ है आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक। पार्ट 9 किससे रिलेटेड है, तो पंचायत से रिलेटेड है, आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक है। पार्ट 9A किससे रिलेटेड है, तो म्यूनिसपालिटी से रिलेटेड है। पार्ट 9B, और आज यही क्वेश्चन पूछा गया था पार्ट 9B, तो ये रिलेटेड होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी से। ओके, पार्ट 10 किससे है रिलेटेड, तो शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है, आर्टिकल 244 से लेकर 244A तक है। पार्ट 11 किससे रिलेटेड है, तो रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट से रिलेटेड है, 245 से लेकर 263 तक इसमें आर्टिकल है। पार्ट 12 किससे रिलेटेड है, तो फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट से रिलेटेड है, 264 से लेकर 300A तक दिया हुआ है इसमें। 300A किससे रिलेटेड है, तो राइट टू प्रॉपर्टी से है। नेक्स्ट देखिए, पार्ट 13 किससे रिलेटेड है, तो ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन इंडिया से रिलेटेड, आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक इसमें दिया हुआ है। पार्ट 14 किससे है, तो सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट से रिलेटेड है। पार्ट 14A किससे रिलेटेड है, ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है, इसमें आर्टिकल 223A से लेकर 223B तक है। पार्ट 15 किससे रिलेटेड है, तो इलेक्शन से रिलेटेड। पार्ट 16 किससे रिलेटेड है, तो स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस से रिलेटेड है। पार्ट 17 किससे रिलेटेड है, तो लैंग्वेजेस से रिलेटेड है। पार्ट 18 किससे रिलेटेड है, तो इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड है। और देखिए, पार्ट 19 किससे रिलेटेड है, तो मिसलेनियस से रिलेटेड है। पार्ट 20 किससे रिलेटेड है, तो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। पार्ट 21 टेम्पोररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन से रिलेटेड है। पार्ट 22 किससे रिलेटेड है, तो शॉर्ट टाइटल डेट ऑफ कमेंसमेंट अथॉरिटीज टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील से रिलेटेड है। ओके, तो इस बार जो है पार्ट्स पे ज्यादा फोकस किया गया है, तो आप लोग ये सारे पार्ट्स का अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। ओके, उसके बाद देखते हैं और क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिए, वैसे तो आपका सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो ये कब फाउंडेड हुआ, तो 9 दिसंबर 1946 में ये फाउंडेड हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया।
टेम्पोररी चेयरमैन कौन थे? तो सचिदानंद सिन्हा थे। प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? तो राजेंद्र प्रसाद थे। वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? तो एच सी मुखर्जी और वी टी कृष्णाचारी। चेयरमैन कौन थे ड्राफ्टिंग कमिटी के? तो बी आर अंबेडकर थे। और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? तो बी एन राव जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है इसका आप लोगों को रिवीजन करना है अच्छे से। 14 से लेकर 18 तक तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, राइट टू इक्वालिटी से है कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ, तो आर्टिकल 14 से है। यहाँ पर है कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये 15 से है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये 16 से है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी 17 से है। एबोलिशन ऑफ टाइटल ये 18 से है। तो ये पांच इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, इसका आप लोग रिविजन कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है एसएससी के एग्जाम में, जैसे कि ए बी कुछ ऐसा है ना इस टाइप से। तो जैसे आर्टिकल 39A है, तो ये है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड से रिलेटेड आर्टिकल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 43A किससे रिलेटेड है? तो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड किससे रिलेटेड है? तो आर्टिकल 44 से रिलेटेड है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था 14 तारीख को। आर्टिकल 243A किससे रिलेटेड है? तो ग्राम सभा से रिलेटेड है। और 243B किससे रिलेटेड है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत से रिलेटेड है, ठीक है। 300A राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, और 323A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 50 किससे रिलेटेड है? तो सेपरेट द जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, यानी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 50 करता है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है? तो आर्टिकल 21 से रिलेटेड है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर, ये किससे रिलेटेड है? तो आर्टिकल 368 से रिलेटेड है, ठीक है। अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑथोराइज द प्रेसिडेंट टू सीक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ मैटर। तो कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को विशिष्ट श्रेणियों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार देता है? तो ये आर्टिकल 143 से रिलेटेड है ये आर्टिकल। नेक्स्ट है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज कंटेन्ड विद इन विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो क्या हो जाएगा, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आपको मालूम है कि 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं, और ये भी आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है, कि राइट टू इक्वलिटी इसमें कवर है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। राइट टू फ्रीडम है जो कि आर्टिकल 19 से 22 तक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये है 23 से 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है 29 से 30। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है 32 से लेकर 35। तो जैसा कि इससे पहले जो आपने क्वेश्चन देखा था कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 तक है, तो इसी हिसाब से क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे आने वाले शिफ्ट में, ओके। तो इसको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा कि कल्चरल एजुकेशनल राइट कहाँ से कहाँ तक है, तो 29 से 30 तक है। नेक्स्ट है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन दैट बिजनेस इन पार्लियामेंट शैल बी ट्रांसलेटेड इन हिंदी और इंग्लिश। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा? तो ये किस आर्टिकल से रिलेटेड है? तो आर्टिकल 120 से रिलेटेड है ये, ठीक है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइट अंडर आर्टिकल 300A। कौन सा अनुच्छेद 300A के तहत अधिकार है? 300A के तहत जो है ये राइट टू प्रॉपर्टी है, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रीडम। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो टोटल 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है, फ्रीडम प्रदान करता है, जैसे कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, असेंबली का, एसोसिएशन का, मूवमेंट का, रेसिडेंस का और प्रोफेशन का। तो ये 6 टाइप के जो है फ्रीडम है। देखिए आर्टिकल 20 क्या है, तो प्रोटेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया हुआ है 20 में। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये है 21 में। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन ये इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल 21A से रिलेटेड है, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस ये आर्टिकल 22 से रिलेटेड है। तो ये सारे भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है, इसका भी रिवीजन आप लोगों को करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट कौन सा है क्वेश्चन कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द रिकॉग्निशन ऑफ द राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने से संबंधित है? अभी हम लोगों ने देखा है कि आर्टिकल 21A हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, 21A जो है ये रिलेटेड है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच माइनॉरिटीज आर मेंशन्ड इन आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में किन अल्पसंख्यकों का उल्लेख है? तो किसका उल्लेख है, तो लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस का। ठीक है, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर कंटेन्ड विद इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो ये भी आप जानते होंगे कि 51A हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, 51A। अब देखिए प्रेसिडेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है उसका आप लोगों को रिविजन करना है, क्योंकि 14 जुलाई को यहाँ से क्वेश्चन आया था। तो आर्टिकल 52 जो है ये रिलेटेड है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ये किस आर्टिकल से रिलेटेड है? तो 53 से रिलेटेड है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन ये किस आर्टिकल से रिलेटेड है? तो 54 से रिलेटेड है। मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, क्या मैनर होना चाहिए ये दिया हुआ है 55 में। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, तो आपको मालूम है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 सालों के लिए होता है, ये जो टर्म है ऑफिस का वो दिया हुआ है आर्टिकल 56 में। क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, क्वालिफिकेशन क्या है तो ये इसके बारे में दिया हुआ है 58 में। कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस, क्या कंडीशन होना चाहिए प्रेसिडेंट के ऑफिस का, ये है 59 में रिलेटेड आर्टिकल। ओथ और इफॉर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, ये सब किसके किस आर्टिकल में है? तो 61 में है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ये 61 में दिया हुआ है, जो राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जाता है। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन, क्षमा, क्षमादान का भी जो है क्षमा भी कर सकते हैं किसी गिल्टी को, तो वो दिया हुआ है आर्टिकल 72 में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है प्रेसिडेंट से रिलेटेड। वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है उसको आप देखिए कि द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये 63 में दिया हुआ है। वाइस प्रेसिडेंट जो होंगे वो एक्स ऑफिशियो होंगे, चेयरमैन होंगे, ये 64 में दिया हुआ है। वाइस प्रेसिडेंट एक्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंट की तरह जब प्रेसिडेंट अब्सेंट हो, तो ये दिया हुआ है 65 में। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा उसके बारे में दिया हुआ है 66 में, आर्टिकल 66 में। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, कितने साल का कार्यकाल होगा, ये सब दिया हुआ है 67 में। और जो राष्ट्रपति शपथ लेंगे वो दिया हुआ है उपराष्ट्रपति, वो 69 में दिया हुआ है। तो ये वाइस प्रेसिडेंट से इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, कहीं से भी पूछ सकता है कि ओथ और इन्फॉर्मेशन बाय द वाइस प्रेसिडेंट इन विच आर्टिकल, तो आर्टिकल 69 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, इसका भी रिवीजन आप लोगों को करना बहुत जरूरी है, जैसे कि अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया ये दिया हुआ है आर्टिकल 76 में।
स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, ये 93 में दिया हुआ है। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस इन सर्टेन केसेस, ये है 108 में। मनी बिल के बारे में दिया हुआ है 110 में। सैलरीज ईटीसी ऑफ जजेस, ये है 125 में। जज लोगों को सैलरी दिया जाएगा वो दिया हुआ है 125 में। अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, ये दिया हुआ है आर्टिकल 126 में। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में दिया हुआ है 148 में, और उनके ड्यूटीज एंड पावर ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल दिया हुआ है आर्टिकल 149 में। फाइनेंस कमीशन दिया हुआ है आर्टिकल 280 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 80 में दिया हुआ है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों की परिषद की संरचना को निर्दिष्ट करता है, ये दिया हुआ है आर्टिकल 18 में। उसके बाद देखिए गवर्नर से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, उसका भी रिवीजन करना जरूरी है कि जैसे कि गवर्नर्स ऑफ स्टेट, राज्यों का राज्यपाल हो, ये 153 में दिया हुआ है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर है ना, गवर्नर की नियुक्ति, ये है 155 में। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर, जो गवर्नर होगा उसका क्या टर्म होगा, कितने सालों के लिए, सब 156 में दिया हुआ है। ओथ और इफॉर्मेशन बाय द गवर्नर, ये 159 में है। पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन, तो गवर्नर के पास भी पावर होता है क्षमा करने का, ये है 161 में। एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट्स, ये दिया हुआ है 165 में। द स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली दिया हुआ है 178 में। ठीक है, एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्देशित करता है, तो क्या हो जाएगा, 343 होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्राइम मिनिस्टर द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, ये है किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 74 में ये दिया हुआ है। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। देखिए ये है इंपॉर्टेंट वीडियो आर्टिकल से रिलेटेड, पार्ट से रिलेटेड। वैसे आर्टिकल से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है यूट्यूब पे, तो उन सब वीडियो को भी आप देख लेना, क्योंकि तो उसमें और भी ज्यादा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें जो मुझे लगा कि इस टाइम पे जो इम्पोर्टेंट है लास्ट मोमेंट में, मैंने उसको आपके साथ डिस्कस किया है रिविजन के लिए, तो वो सारे वीडियोस को भी आप लोग देखते रहना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट।